तरीके से पंजाब सरकार सख्त होती नजर आ रही है और पंजाब बंद हो गया है, ऐसे में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज वही सुचारू रूप से चलेंगी, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए इस वक्त क्या स्थिति है पंजाब में बंद को लेकर के, क्या स्थिति है? देखा जाए तो देखिए सर्विस है वो सर्विस बंद की गई है, एमरजेंसी सर्विस ही जारी रहेगी। दूसरी वो बिल्कुल दुकानें बंद कर दी गई, चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। देखा जाए तो कोरोना का महामारी को देखते हुए आज पंजाब बंद कर दिया गया है। पंजाब बंद को देखते हुए कोरोना महामारी काफी बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए पंजाब को पूरी तरह बंद किया गया है, लेकिन चेन को तोड़ने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही मोगा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, मोगा में क्या कुछ स्थिति देखी जा सकती है पंजाब को लेकर के, बंद को लेकर के वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कितनी चहल पहल है, कितना इसका पालन किया जा रहा है लोगों द्वारा? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल सामने में दो खड़े चेन तोड़ने की बात कही जा रही है कि जो चेन तोड़ी जाएगी उसके बाद वो एक दूसरे के घर पे संपर्क में लोग ना आए। बिल्कुल मैं कहूँ दिखाई वो जगह दे होते बिना मास्क को लोग अक्सर दिखाई दे रहे हैं, कितने कितने प्रशासन मतलब क्या क्या सी सख्ती काफी की है, उसके बावजूद लोग बिना मास्क को नजर आ रहे हैं। मैं कहूँ किसी ने मास्क नहीं पहने होया, दूसरी कीती जो लॉकडाउन शुरू किया गया, एक दिन नया लॉकडाउन किया गया, जेकर असी हदायतों की पालना ना की तो आने वाले समय से वाला लॉकडाउन लग सकता, कितने कोरोना महामारी जी वही जा रही है वो देखते हुए और भी कुछ लोग मौजूद ने कह रहे की नाम जी थोड़ा सोनू लड़ाई, सोनू लड़ाई गल की जाए तो कौन अज बंद किया गया लॉकडाउन किया गया एक दिन का, देखो चेन तोड़ी जाए कोरोना की कुछ ना कुछ, पर लोग बिना अज भी सफर करते नजर आ रहे, गड्डिया चलती नजर आ रही। सरकार ने जी आवाजाई से जी बंद नहीं की है, दुकाना बंद करा दी है, पर हम भी देखी जाए लोगों के तो 20% लोगों के मास्क लगा, 80% लोगों के मास्क नहीं लगा है, लोग अनअवेयरनेस हो पे आ, मास्क ही एक लगाना लोगों का वो ही लगाया जा रहा, बीमारी जी संक्रमण है जो संक्रमण और जो बढ़ी जाते हैं, दिल्ली के देखो लोग मरी जा रहे हैं और पंजाब के हालात काफी माड़े नजर आ रहे हैं, लोग जे अनअवेयरनेस हो पे जी बीमारी हल्की हल्का समझी जाते, पर बीमारी बड़ी भैड़ी है। मैं पहला भी कहा जो कोरोना काल पहला भी आप निकल के आए हैं दोबारा कोरोना काल च ना चले जाइए, जे दोबारा कोरोना काल च चले गए जे अज का संडे को बंद है और समा सारे ही दिन बंद हो जाएंगे। मैं लोगों को वार बार यही कह रहे मास्क लगा के रखो, दो गज की दूरी बना के रखो, जे जरूरी हैगा उसे जाए अज आया जाए। बिल्कुल जी बाजार बिल्कुल बंद किए गए, कितने कितने बाजार में कह रहे बिल्कुल बाजार बंद आ, पर आवाजाही चल रही है, दुकाना नहीं खुली, लोग फिर आ जा रहे हैं क्योंकि जी बसा सर्विस आ जा नैशनल हाईवे आ और रोड चलते रहेंगे तो लिंक रोड बंद किए जाएंगे, उसके बाद भी आवाजाही काफी हो रही, लोग बिना मास्क तो अक्सर ही नजर आ रहे हैं, कोरोना महामारी चलते अब ऐतवार जरूर बंद किया गया, जेकर असी ना समझे तो आने वाले समय के वही जी पंजाब सरकार वे एक्शन ले सकती है। जिस तरीके से प्रशासन सख्त हो गया है और ये इंतजामों को देखने के लिए, सभी इंतजामों को देखने के लिए कि कितनी आवाजाही है, क्या वो इमरजेंसी सेवाएं ही हैं या फिर जितनी यातायात को देखा जाए जो गाड़ियां चल रही हैं, इस सब के लिए प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है, किस तरीके से प्रशासन नाकेबंदी कर रहा है या फिर चेकिंग के लिए अभियान चला रहा है? बिल्कुल जी, हम इस समय मौजूद है जगिंदर सिंह प्रॉपर, जहाँ पर कोई भी पुलिस का अधिकारी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं देखा जाए सख्ती की बात की जा रही है, अभी दो चौक पहले भी निकल के आए वहाँ पे उसके अधिकारी अभी नहीं है, क्यों दिन अभी शुरू हुआ है, चाहे दिन में ऊपर होगा तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन दुकानें जो भी बंद की आवाजें पूरी वैसे ही चल रही है, लोग वैसे घूम फिर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल है जहाँ ऐतवार का लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि लोग अपने घरों में रहे किसी के संपर्क में ना, उसके बाद लोग घूमते हुए नजर आ रहे, देखा जाए तो जो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है, पंजाब सरकार और सख्त हो सकती है, तो एक दिन का लॉकडाउन लगाया पूरा पंजाब बंद किया गया, मॉल बंद किए गए, दुकानें बंद की गई है, उसके बावजूद दूध की डेयरियां जो नजर आ रही है, ये देखा जाए तो लोग नहीं समझ रहे, सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन में जो संपर्क में ना आएंगे तो लोग थोड़े कम हो सकते हैं, 5000 से ऊपर जो केस आ चुके हैं, एक चिंता का विषय बना हुआ, पंजाब सरकार और भी सख्त हो सकती है, वीकेंड लॉकडाउन लग सकता और लॉकडाउन की तैयारी भी हो सकती है, और देखा जाए तो लोगों खुद को लॉकडाउन लगा के चलना होगा, अगर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए बड़ा संताप भोगना पड़ सकता है, जो पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा, लोगों को जो बिल्कुल जो अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, जो गरीब लोग है वो खत्म होते नजर आ रहे थे, तो कोरोना काल से कारण हम नहीं छूटेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारों को बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे जी।
बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से जो पंजाब बंद है उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। मोगा से आपने तस्वीरें देखी, कोरोना के जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए अब पंजाब सरकार सख्त नजर आ रही है। आने वाले समय में ये जो पंजाब बंद का एक दिन का ऐलान किया गया है ये आने वाले समय में सख्त हो सकता है, इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है जिस तरीके से कोरोना के रिकॉर्ड मामले पंजाब से सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए। पंजाब बंद की अगर बात करें तो केवल जरूरी सेवाएं ही सुचारू रूप से चलेंगी, इसके अलावा सभी दुकानों को मॉल्स को बंद कर दिया गया है। पंजाब बंद को लेकर के लोगों की जो स्थिति है उसको देखते हुए कि कोरोना के जो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पंजाब की तरफ से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और पूरा पंजाब आज बंद रहेगा, केवल इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू रहेंगी। और साथ ही इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, प्रशासन भी अपने तरफ से कदम उठा रहा है कि पूरे तरीके से कोरोना पर लगाम लगाई जाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं पंजाब बंद की, शटर डाउन है दुकानों के, आज पूरी तरीके से सख्ती है पंजाब में, प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है।